मजदार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट, उस परमपिता परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है, जिस मनुष्य की जब आयु खत्म हो, चाहे वो जवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो, उसके प्राण हरण करना मेरा कर्तव्य बनता है। अच्छा। लेकिन मेरे जो मैंने दूत भेजे थे तेरे पति के प्राणों को निकालने के लिए, तेरे तप के कारण, तेरे तेज के कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई तेरे पति के प्राण निकाल सके, इसलिए स्वयं साक्षात मुझे आना पड़ा। इस तेज को देख कर के लाडो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, तुझे नतमस्तक हुआ हूँ। खुश होना झुका लूंगा, लहास के अंदर प्राण दोबारा हर गज भी नहीं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना सहारूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना सहारूंगा। ए झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, क्या समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं तेरे मांगू महाराज,
वचनों में बांधने का कारण जानना चाहूंगा। महाराज मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, फिर लेकिन अपनी की तकदीर के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर बिल्कुल भरोसा। बेटी जो मेरे बस की बात हो सकेगी, मैं तेरे पति के प्राणों के अलावा जो तू मांगेगी, हीरे मोती कड़ी मणि सोना चांदी, जिससे तेरा जीवन यापन अच्छी ढंग से हो सके, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। बेटी क्या दे सकते हो? जो तू चाहेगी, लेकिन अपने पति के तेरे प्राण छोड़कर कुछ भी मांग ले, वो मैं तुझे दे दूंगा। अच्छा हाँ कहिए महाराज। सुन ले, ससुर अंधे मेरे आंखों का उजियाला दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा सोच के, वचन तीसरा मेरी कोख पे एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और, गौर कर अपना वचन निभाले, अरे जे सुनो या मेरा। जैसा कि यमराज कहा था कि बेटी अपने पति के प्राण मत मांग लेना, चाहे कुछ भी मांग लेना। सावित्री ने इस मौके की तलाश में थी, यमराज से तीन वचन भी ले लिए। रागनी की अंतिम चार लाइन है, ए मेरे विद्वान श्रोताओं, अगर गहराई से आप इस रागनी को समझ रहे हैं तो सारे किस्से का निचोड़ कर दिया है कभी ने मात्र छह लाइनों में। बेटी सावित्री ने मौका पाते ही अपने पति के प्राण तो नहीं मांगे, लेकिन एक राजकुमार मांग लिया। अगर और वो यमराज उस भोली सूरत को देख करके भावुक हो उठे, एक पल के लिए नहीं सोचा, और उस बेटी सावित्री की बातों में एकदम से फंस गए। सरदारों अगली लाइनों में किस प्रकार से यमराज कहते हैं, अगर आपको लाइन ठीक लगे तो मैं नहीं कहता कि पैसे देकर के सम्मान करना, लेकिन उस कवि के लिए, उस बेटी सत्वती के लिए एक बार दो हाथों की तालियों का आशीर्वाद देना। सुनिए किस प्रकार से कह दिया। बेटी सावित्री जी महाराज, मैं तेरा तीन वचन पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। करिए महाराज, एक वचन। हाँ कैसा वचन? बच्चे वचन इस प्रकार इसलिए दे, जब मैं तेरे तीन वचन पूरे कर दूं तो तू मेरा पीछा तो नहीं करेगी? मैं आपको वचन देती हूँ महाराज, मैं आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अच्छा हाँ, एक बार मैं तुझे और मौका देता हूँ, सोच ले क्या और कुछ मांगना हो। ना अब ना चाहिए कुछ भी महाराज, कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ तीन वचन पूरे करो और आप जाओ। अच्छा हाँ, मेरी ड्यूटी खत्म? खत्म। तो सुन ले बेटी, छलते लिया मंत्री ने। अच्छा यारी
छलक लिया मंत्री ने, जा वापस राज तुम्हारा दिया। तीसरा वचन, हेरी बचन तीसरा, हेरी बचन तीसरा, तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। बचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटी सावित्री ये मेरा वचन है, तू वापस चली जा, अपने पति की मृतक शरीर को ले जाकर शमशान में अंतिम क्रिया कर दे। जो तेरा कर्तव्य बनता है वो तू कर ले, और जो मेरा फर्ज बनता है, जो मेरी ड्यूटी बनती है, उसे मैं करता हूं। ये यमराज का वचन है। तेरी कोख खाली नहीं रहेगी लाडो, तुझ पे तेरे ही कोख से एक सुंदर सा राजकुमार पैदा होगा। वचन कर दिया आपने पूरे महाराज, और तू आप इधर जा और मैं इधर जाता हूँ। रुकिए रुकिए, ठहरिए, रुक जा महाराज, यहाँ रुकिए। क्यों? आपने मेरे दो वचन पूरे कर दिए। बेटी शर्मी, तुझे होश होना चाहिए कि यमराज के ऊपर शंका, चिल्लाने की जरूरत नहीं है महाराज। तीसरा वचन पूरा कर दो और जाओ। तेरा तीसरा वचन पूरा कर तो दिया, नहीं हुआ? हो गया, नहीं हुआ महाराज। हर वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। ख्याल करो हर राम फैसले हो, ख्याल करो हर राम फैसले, क्या असल ठिकाने लियाओ रे, बिना पति कैसे पतिवरता पे बेटा हो समझारो रे। हे यमराज, क्या हे यमराज, वचन हार मेरा पति जीवाओ रे। हे महाराज, वचन हार मेरा पति जीवाओ रे। हे परमपिता परमेश्वर, महाराज इधर आइए। ऊपर वाले, मैं ये कैसे भूल गया, मुझे क्या हो गया? जिस सती औरत का सती मर्द इस दुनिया में ना हो, वो बिना पति के माँ कैसे बन सकती है? महाराज मेरे पति को जिंदा करो, नहीं तो वचन हार हो जाओ। हे परमात्मा, मेरी जिभ्या को क्या हो गया? मेरी जिभ्या बगैर चलाए कैसे चल गई? ये मैं कैसे भूल गया? ये मेरी मर्जी कैसे मारी गई? जब तक महाराज तथास्तु तथास्तु है नहीं, यमराज भी फंस गए। अब आज मैं इस दुनिया को क्या मुंह दिखलाऊंगा? इस दुनिया वाले के लोग मेरे ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। मैंने एक वचन दिया है बेटी सावित्री, जब से मैंने तेरी सूरत देखी है, तेरा हाल देखा है, मैंने तुझे बेटी माना है, मैंने तुझे बेटी माना है। बेटी के अलावा कोई शब्द मैंने अपने मुख से नहीं निकाला। लाडो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। किस बात के लिए महाराज? मैं इस बात के लिए हाथ जोड़ता हूँ कि बेटी, जब तूने मुझे फंसाया है इस जाल में, तो बेटी निकालने का रास्ता भी तू जानती होगी, इसीलिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ। ठहरिए महाराज, मुझे कोई ऐसा प्रयत्न बताइए, ऐसा यत्न बताइए, ताकि मेरा वचन भी रह जाए और बेटी तेरी कोख से एक बेटा पैदा भी हो जाए। महाराज आपने मुझे अपने मुख से बेटी कहा है, उठिए जस, तो मैं आपको रास्ता बताती हूँ। बताइए, मुझे ये बताइए कि मेरी आयु कितनी बाकी है? बेटी तेरी तो आयु बहुत लंबी है, बहुत लंबी। हाँ तो महाराज, मैं दिन तारीख तो नहीं पूछूंगी कि अभी मैं कितनी जिंदा रहूंगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी उम्र मेरी बची हुई है, आप एक काम कीजिए, मेरी उम्र में से आधी उम्र मेरे पति को दे दीजिए, आधी उम्र मेरे पास में रह जाएगी, और एक काम बहुत अच्छा हो जाएगा महाराज। क्या? कि संसार के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो। जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली। इससे आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे, मुझे भी मेरा पति मिल जाएगा। धन्य हो बेटी, धन्य हो भारतीय नारी। ये सदैव जब तक धरती और आकाश रहेंगे, सूर्य और चांद रहेंगे,
तब तक दुनिया के लोग बेटी तुझे नतमस्तक होते रहेंगे। तूने तो आज कारनामा करके दिखा दिया, एक यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। धन्य हो बेटी तेरे मां पिता को, धन्य हो तेरी सास ससुर को जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी शिक्षा और दीक्षा दी है। हो यम राज्य हो या मेरा